मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के तरावड़ी में जन आशीर्वाद रैली में की शिरकत। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर बोला हमला, कहा प्रदेश के लोग तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाएंगे। भिवानी की तोशाम विधानसभा क्षेत्र में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने विभिन्न गांवों में लोगों से किया संवाद, कहा कांग्रेस के भ्रष्ट शासन ने क्षेत्र के साथ किया भेदभाव। कांग्रेस के छात्र विंग एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने चंडीगढ़ में प्रेसवार्ता के दौरान विधानसभा चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों की दी जानकारी। सिरसा में जजपा की हुई अहम बैठक। और पेरिस पैरालंपिक में हरियाणा के सुमित अंतिल ने भाला फेंक मुकाबले में और नितेश कुमार ने बैडमिंटन में जीता स्वर्ण पदक। परिजनों ने दोनों की उपलब्धियों पर जताया गर्व। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर, अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल के तरावड़ी में आज भाजपा की जन आशीर्वाद रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और दोनों ने लोकसभा में भी गठबंधन किया था। प्रदेश के लोग इन दोनों पार्टियों की असलियत समझ चुके हैं और अब इनकी बातों में आने नहीं वाले। उन्होंने लोकसभा में भी गठबंधन किया था क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी दल हैं और लोगों के बीच में तो बोलते हैं जा करके कि हम ईमानदारी का नकाब पहन करके जाते हैं, परंतु वो नकाब फिर इनका उतरता है और फिर लोगों का शोषण होता है, भ्रष्टाचार होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैली में आए लोगों के मिले आशीर्वाद से उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा के लोग बड़े बहुमत से प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे और यहाँ कमल खिलेगा। जेजेपी विधायकों के पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेजेपी पार्टी की विचारधारा से उनके विधायक घुटन महसूस कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। बड़ा है जो उनका प्यार, जो आशीर्वाद और जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग मिल रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा के लोग बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद हरियाणा को और गति से मिलेगा और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे। जेजेपी की जो नीतियाँ थी, जो उनकी सोच थी, वो उनको ही कबूल है। लंबे समय से वो घुटन महसूस कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब वो सभी लोग आए हैं, हमने उनका स्वागत किया है। उधर राज्यसभा सांसद बनने के बाद आज पहली बार भिवानी पहुंची भाजपा नेता किरण चौधरी ने तोशाम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के दौरे पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान गांव बीरन, दांगकला, दांगखोट, सांकवान, पुरटाना, किरावड़ और खानक में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपकी समस्याएं संसद में उठाई जाएंगी और क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। क्षेत्र में नहरी पानी की समस्या को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। भाजपा ने सभी वर्गों के हितों के लिए काम किया है, खर्ची पर्ची जैसी बुराई को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता तीसरी बार भाजपा को सत्ता सौंपने जा रही है। पत्रकारों से बातचीत में किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्ट शासनकाल में इस क्षेत्र के साथ भारी भेदभाव किया गया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि करोड़ों का घोटाला करने वाले भ्रष्टाचारी लोगों से बच नहीं सकते। श्रुति का ज्यादा हो गया भैया, तो श्रुति के साथ मैं इसलिए आ रही हूँ। मेरा तो घर परिवार माना है शुरू से और परिवार की तरह काम करा है और वही मैं इनको कह रही थी कि हमारा तो परिवार में भाई तुम लोग हो, तुम ही लोग वोट मांगोगे सारे के सारे, तो यही लोग मेरे जाके वोट मांगेंगे। अब ये तो सार्वजनिक हो गया, पहले से ही सबको पता था कि हुड्डा ने अपनी सरकार के दौरान केवल गरीब लोगों को ठगा है और वो सामने, अब मैं नहीं कह रही, सारे अखबार कह रहे हैं कितना 384 करोड़ रुपए की जो जमीन जो हड़पी गई है उसको कुर्क करा गया है। इनकी हमेशा से ये नियत रही है, एक तो क्षेत्रवाद करा है बहुत जबरदस्त और उसके कारण जो है हमारे भिवानी को तो बिल्कुल इस तरह से मानता था कि जैसे ये पाकिस्तान। दूसरा जो है दबाव के जो है इन्होंने काम करे हैं वो सामने आ ही रही है। अब जनता को इनका असली मुखौटा जो है ये बाप बेटे का सामने आ गया है।
वहीं इलाके की पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने कहा कि कांग्रेस का क्षेत्रवादी चेहरा सामने आ चुका है। क्षेत्र की जनता भूपेंद्र हुड्डा के शासनकाल को नहीं भूली, जब सरकारी नौकरियों का बड़ा हिस्सा केवल एक क्षेत्र को दे दिया जाता था और हमारे योग्य युवा नौकरी के लिए भटकते रहते थे। वर्तमान सरकार में सभी को समान अवसर मिल रहे हैं और केवल योग्य लोगों को रोजगार मिल रहा है। कोई ऐसा काम नहीं जो सार्वजनिक काम है, जो सामने आया हो, चाहे वो गली का हो, चाहे कोई भी गांव का कोई काम हो, उसको हमेशा पूरा किया है। इसको भी करें बहुत ज़बरदस्त और लोगों का हमेशा एक मेरा तो यहाँ पे मैं बचपन से आई हूँ, अपने पिता दादा माँ तो मेरे लिए तो सब ये एक परिवार का एक हिस्सा है और मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि यहाँ से मुझे लोगों ने हमेशा आशीर्वाद दिया है और उसी तरीके से आगे चलते रहेंगे लोग, ये काम जो है अच्छे अच्छे काम कर सके सब। इधर कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश यादव ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान विधानसभा चुनाव से संबंधित कार्यक्रमों की आज जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विंग द्वारा मेरी पहली वोट के नाम से एक अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत पंचकुला कुरुक्षेत्र से होगी और इस दौरान लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की जाएगी, साथ ही प्रदेश के लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबसे पहले छात्र छात्राओं की भागीदारी होना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग है कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। पिछले करीब 10 सालों में हरियाणा में ना तो नए कॉलेज बने हैं और ना ही कोई स्कूल खोले गए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है और एनएसयूआई उसमें अपनी भाग को हिस्सेदारी को निभाते हुए अपना कैंपेन लॉन्च कर रहा है और जो हमारे प्रदेश में दीपेंद्र जी के प्रति लोगों का रुझान है, छात्रों के जो उनके प्रति फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए आज अपना कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं मेरी पहली वोट। इतनी सरकार ने तो छात्रों के लिए कुछ किया नहीं, तो इसलिए हमने इसकी लाइन की स्टार्ट ये की बात है हमारी भागीदारी की, हमारी जिम्मेवारी की, और कैंपेन का नाम है मेरी पहली वोट। कैंपेन की हम स्टार्टिंग सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र या पंचकुला, हमारे पास दो जगह है, हम दो में से एक मुख्य रूप से स्टार्ट करेंगे, जहाँ से भी हमें मतलब अपने साथियों से चर्चा करके ही आपके बीच में हमारे नंबर है, आप हमसे जुड़िए। और जो हमारा मेरी पहली वोट कैंपेन है, इसका मेरी पहली वोट, आप लोग छात्र जब भी अपनी पहली वोट डालने जाओ, जब भी आप अपनी वोट डालो तो सोचो अपनी वोट किसको दे रहे हो, क्या रीजन है कि अग्निपथ योजना, आपके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जैसे आप लोग ने हमने सुझाव दिए और आपके जो भी सजेशन हो तो आप लोग हमें दीजिए। जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कल सिरसा में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और सलाहकार समिति की संयुक्त अहम बैठक हुई। इस दौरान नेताओं ने पार्टी घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन किया गया। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पार्टी द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें से कुछ अंशों पर सर्वसम्मति बनी, जिसमें मुख्य रूप से किसान कर्ज माफी योजना लागू करने पर सहमति बनी। उन्होंने बताया कि जजपा की सरकार बनने पर महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने के लिए ऑपरेटिव स्टोर्स के बूथों पर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में भी स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की भर्ती में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो नामांकन के पहले दिन 5 सितंबर को उचाना विधानसभा से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी प्रकार से महिलाओं के साथ साथ महिलाओं को कोऑपरेटिव सेक्टर, जैसे वीटा के बूथ हो, हरित स्टोर हो, जितने भी हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के विंग्स हैं, उनके अंदर 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी जाए। 5 तारीख को नॉमिनेशन का टाइम तय हुआ है और 5 तारीख को पहले दिन उचाना विधानसभा का नॉमिनेशन, मैंने तो कभी दूसरी सीट का सोचा भी नहीं। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास अपने उम्मीदवार नहीं है और वो दूसरी पार्टियों से उम्मीदवार उधार लेकर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक कटी पतंग बन चुके हैं और वे भी चुनाव लड़ने के लिए असमंजस में हैं। बीजेपी तो आज दिखती है किस हालात में है। बीजेपी 400 पार की बात करती थी, 250 पे आ गई और 250 पे आने के बाद आज हमारे लोगों को उधार में लेके जा रही है। नहीं ले रही हो तो बता, पिछले 2 दिनों में 6 लोग हमारे संगठन के उनने लिए हैं, जिनको आश्वस्त किया कि तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। इसका मतलब तो बीजेपी अंदर से खोखली थी,
और मुख्यमंत्री की हालत कैसी है? कटी पतंग की तरह है। तीज वाले दिन जब पतंग कट जाती है तो उसको ये नहीं पता वो कहां जाके गिरेगी। आज मुख्यमंत्री की हालत है कि उनका प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं लाडवा, मुख्यमंत्री कहते हैं करनाल। उधर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक मैसेज को लेकर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने सिरसा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनके बारे में जानबूझकर झूठ फैलाया जा रहा है, वे बीजेपी के साथ हैं और सदा साथ ही रहेंगे। कि मैं एक तो मुझे ये बड़ा अफसोस है कि सूत्र और अफसोस को क्यों लोग बदनाम कर रहे हैं। खास सूत्र क्या होता है, ये बेकार की बात है। मैं सिरसा में हूँ, रात आ गया था, चंडीगढ़ था मैं, दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली से मैं दो दिन से आया हुआ हूँ। सिरसा में हूँ, सुबह से लोगों से मिल रहा हूँ, हल्के के लोगों से मिल रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम बना रहा हूँ। ये बेकार की बातें हैं कि मैं दिल्ली में डेरा डाले हूँ, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, बीजेपी का कल लोकसभा चुनाव लड़ा था। ये बेसलेस बात है, बेकार की बात। मैं कहूंगा जिन्होंने भी ये चलाया है, गैर जिम्मेदाराना बात कभी नहीं करनी। नरवाना के चंडीगढ़ हिसार हाईवे पर देर रात 1 बजे हुए एक बड़े सड़क हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही नरवाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां 9 लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए इन्हें अग्रोहा मेडिकल रेफर कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दर्दनाक हादसे पर दुख जताते हुए एक्स पर अपने संदेश में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि कुरुक्षेत्र के मरछेड़ी गांव के श्रद्धालु गुग्गा मेड़ी राजस्थान में पूजा के लिए जा रहे थे और रास्ते में नरवाना के गांव बिधाड़न के पास एक ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप को पीछे से जोरदार टक्कर मारी। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। हमारे पास सूचना मिली रात को, मतलब हादसा हो गया तो ट्रक पिकअप और इसका ट्रक का एक्सीडेंट बताया गया था, जो कि ऊपर से खोलाई थी और हम फ़ौरन वहीं पे पहुंचा तो मैंने जाके देखा तो बहुत ज़्यादा पेशेंट सीरियस थे और बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। तो मैंने फिर 3-4 गाड़ियां और बुलाई, हमने 4-5 गाड़ियों के साथ में इकट्ठा करके तो सभी को यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल नरवाना में पहुँचाया गया। तो वहाँ को उसके उपचार के लिए तो मैं गया, तो वहाँ पे देखा तो मैंने कम से कम 7 बंदे तो वहीं पे एक्सपायर हो गए थे मौके पे तुरंत। और फिर हम जो भी बाकी बचे थे वो सभी को घायल हो रहे थे, उसको माम उठा के 7-5-6 गाड़ियाँ दी हमारी, दोबारा चक्कर लगाए हैं, वापस गए हैं और फिर दोबारा लेके आए हैं। तो वहाँ से लेके आने के बाद में फिर यहाँ पे नरवाना जीएच पर ही उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। सभी घायल कम से कम 9-10 लोग घायल थे। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है उनका विवरण व्यय पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है, ताकि उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सके। चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के मुताबिक करना होगा। सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने आज दिल्ली में कहा कि आप पार्टी हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पिछले 15 दिनों में करीब 40 रैलियां की, जिनमें उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल में सुशील गुप्ता ने कहा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा हम उसके मुताबिक चलेंगे। हम 90 के 90 विधानसभाओं पर पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है हमारा, हर गांव-गांव में, हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर हो के आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ है, पूरी ताकत के साथ हम करें। मैं तो बड़ी स्पष्ट ये बात बता रहा हूँ कि हमारा अभी फोकस है 90 विधानसभा पे तैयारी करने का, उस पर हम लगे हुए हैं, मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। बाकी
एक अनुशासित सिपाही होने के नाते हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ भी फैसला ले, हम फैसले से बाहर नहीं हो। जजपा के सहयोगी आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे जजपा का बुरे समय में साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी चुनाव में करीब एक महीने का समय है और मेहनत करने से बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाती है। हम मेहनत करेंगे और लोगों से विश्वास और समर्थन मांगेंगे। हरियाणा में जजपा और आजाद समाज पार्टी की गठबंधन की सरकार बनेगी, ये दावा भी उन्होंने किया। वे कल जींद में पार्टी के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रदेश भर से पहुंचे पदाधिकारियों के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों की तरफ से जजपा के विधायकों के पार्टी छोड़कर जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में सबके अपने स्वार्थ हैं। लोकसभा चुनाव में जजपा के विरोध होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कोई आदमी अगर अपनी गलती स्वीकार कर ले तो लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। हमारा गठबंधन हरियाणा में किसी भी कीमत पर भाजपा को आगे नहीं बढ़ने देगा। हरियाणा में असल विरोध भाजपा का है और मुख्यमंत्री को समझ ही नहीं आ रहा कि वे कहाँ से चुनाव लड़ें। उन्होंने यह भी कहा कि टिकट वितरण का काम पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा और जींद उनका गढ़ है, वे जींद को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी पार्टी अगर यहाँ हमारे लोगों को इग्नोर करेगी तो उसको आने वाले समय में सबक सीखना पड़ेगा। असल विरोध तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ है। आप ये देखना कि जब मुख्यमंत्री ऐसा आए हैं, मुख्यमंत्री को नहीं पता कहाँ से लड़े और लोगों के क्या हाल होंगे इस बारे में। तो हमारी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है और हम खुद, हम सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके कोशिश करेंगे कि जो संघर्ष हमने किया है, चाहे पहलवानों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और तमाम तरह से। आप ये भी जानते हैं देश में एक ऐसी रेजिमेंट थी जिसका इतिहास युगों युगों तक लिखा जाएगा। हम किसानों का समर्थन हमेशा करते रहेंगे, हम पहलवानों का भी समर्थन हमेशा करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र के जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त सुशील सारवा ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पूरी तरह से पालना करनी होगी। किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार या नामांकन के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है। बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उपायुक्त ने बताया कि जिले की चार विधानसभाओं में कुल 7,70,356 मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 810 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लाडवा, शाहबाद, थानेसर और पेहवा क्षेत्र में 4 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान 2 दर्जन उड़न दस्ते और 4 वीडियो सर्विलांस टीमें चुनावी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 12 सितंबर रहेगा, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 13 सितंबर को होगी, लास्ट डेट फॉर विड्रावल ऑफ कैंडिडेचर 16 सितंबर रहेगा, डेट ऑफ पोल जो है हमारे जिले की वो 5 अक्टूबर की है, काउंटिंग ऑफ वोट्स 8 अक्टूबर को है। हमारे यहाँ पर पूरे जिले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स जो हैं वो 24 हैं, 6 टीम पर असेंबली, स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो हमारी है वो भी 24 हैं, 6 टीम हैं पर असेंबली, वीडियो सर्विलेंस टीम हमारी 4 हैं, एक एक टीम एक एक असेंबली के लिए, जोनल मजिस्ट्रेट फॉर पोल एंड प्री पोल डे दे आर 24 इन नंबर, 24 हैं, 6 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं पर असेंबली। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कैथल जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लघु सचिवालय के बाहर होल्डिंग और सेल्फी प्वाइंट बनाए हैं। प्रतिदिन सुबह से शाम तक लघु सचिवालय में आने वाले लोगों द्वारा सेल्फी प्वाइंट पर फोटो ली जा रही है। कैथल की जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विजय लक्ष्मी ने पत्रकारों को बताया कि सभी को चुनाव के दौरान मतदान करना चाहिए। मतदान करने से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के साथ साथ सही प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हुए प्रदेश में मजबूत सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने लोगों से, खासकर युवाओं से, 5 अक्टूबर को मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आग्रह किया कि जितने हमारे युवा मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इससे जो है वो चुनिंदा सरकार उनकी आएगी, उनके जो मुद्दे हैं उनका सबका ये निर्णय निकलेगा कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, उनके अनुसार जो है कार्य होंगे और जो उनकी अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। बिल्कुल अपने हक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये अधिकार जो है, जो नए बच्चे 18 साल के हो रहे हैं वो अवश्य मतदान के लिए जाएं। युवा मतदाताओं ने इस मौके पर कहा कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्सुक हैं और जरूर मतदान करेंगे। जिले के नेशनल अवार्डी युवा नेता और समाजसेवी फूल कुमार ने बातचीत में युवाओं से विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने और अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया और आम लोगों को इसके लिए
प्रेरित करता हूं और आम लोगों को, चाहे वो किसान हो, दलित हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उसको वोट अपने सारे कामकाज छोड़कर वोट डालना चाहिए। क्योंकि युवा ही ऐसी शक्ति है जो मतदान की संख्या को आगे बढ़ाने के लिए वही अपना काम कर सकते हैं और वो घर घर जाकर के अपना प्रचार कर सकते हैं कि जितना हम मतदान करेंगे हमारा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा और उतना ही हमारा विकसित भारत बनेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मैं अपना वोट निष्पक्ष भाव से, बिना किसी जात पात, बिना किसी जेंडर, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से अपने वोट को दूंगी। और मैं आप सबसे भी यही अपील करूंगी कि देश के निर्माण में, नेशन बिल्डिंग में अपना वोट देकर इस देश के अंदर आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर दें। पेरिस पैरालंपिक में सोनीपत की सुमित अंतिल ने भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपना स्वर्ण पदक बरकरार रखा। अंतिल ने अपने दूसरे प्रयास में 70.59 मीटर भाला फेंक कर नया रिकॉर्ड बनाया। भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक बैडमिंटन में चरखी दादरी के नितेश कुमार ने पुरुष सिंगल्स SL3 श्रेणी में जीता। कल भारत ने 7 पदक जीते थे जिसमें 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य शामिल हैं। अब तक भारत के 14 पदक हो चुके हैं जिनमें से 5 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। सुहास यतिराज ने पुरुष सिंगल्स SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता। महिला सिंगल्स SU5 में तुलसीमती मुरुगेसन ने भी रजत पदक जीता। इसके अलावा मनीषा रामदास और नित्याश्रय सिवन ने भी महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी मिक्स टीम कंपाउंड इवेंट में शीतल देवी और राकेश कुमार को कांस्य पदक मिला। इससे पहले बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो F56 वर्ग के फाइनल में रजत पदक जीतकर भारत को 5वें दिन का पहला पदक दिलाया था। भारत के पदकों की संख्या में कल महत्वपूर्ण इजाफा हुआ और वह पदक तालिका में 15वें स्थान पर पहुंच गया। योगेश के रजत पदक जीतने पर उनके घर जश्न का माहौल दिखा। परिजनों ने कहा कि उन्हें योगेश के प्रदर्शन पर गर्व है। मैच आया और आज इसका मैच आया और सिल्वर मेडल जीता, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि हम लोग इस लेवल पे भी आएंगे और उसकी वजह से आज हम लोगों को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। 101% गोल्ड मेडल की उम्मीद तो थी पर अब सिल्वर आ गया। कोई नहीं, हार जीत चलती रहती है। देखिए हम तो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। उम्मीद तो लेकिन देखो सबको गोल्ड की थी, वो भी बोल ही रहा था बार बार कि इस बार मैं गोल्ड ही लेके आऊंगा, जैसे बात हुई थी हमारी पहले भी। बट कोई बात नहीं, सबका लग होता है, आज उसका दिन नहीं था। बट सबसे पहले तो उसे हम हार्दिक बधाई देंगे, बहुत ही खुश हैं हम उसके इस फैसले से कि उसने हमें ये रिजल्ट दिया है। लेकिन हमें गोल्ड की उम्मीद थी, कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम जो है इससे भी बेटर परफॉर्म करोगे आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी पदक विजेताओं को बधाई दी है। पैरालंपिक खेलों के 6ठे दिन आज टीम इंडिया निशानेबाजी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स समेत विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतने की कोशिश करेगी। वहीं पेरिस पैरालंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल के स्वर्ण पदक जीतने पर सोनीपत के गांव खेवड़ा में जश्न और खुशी का माहौल है। उनके परिजन सुमित के वापस स्वदेश लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुमित की माता निर्मला देवी और अन्य परिजनों ने सुमित के स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। हमें उसकी उपलब्धि पर गर्व है। सड़क दुर्घटना में एक पैर खोने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। घर आने पर उसका जोरदार स्वागत किया जाएगा। सुमित ने हमारे झोली में बहुत बड़ी खुशी डाल दी है। दिवाली आने से पहले ही हमारे यहाँ दिवाली आ गई है। पूरे देश के लिए, पूरे स्टेट के लिए, पूरे जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है। उसने हमारा नाम इतना रोशन किया। हादसे में उसका पैर जाने के बाद उसने हौसला नहीं छोड़ा। उसने दोबारा से उठ के खड़ा हुआ, उसने वो कर दिखाया जो दो पैर वाले भी नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वो आएगा, हम दिवाली की तरह उसकी बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत करेंगे। चरखी दादरी के गांव नांधा के रहने वाले नितेश ने पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन एकल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर गांव में जश्न का माहौल नजर आया। नितेश ने विशाखापट्टनम में ट्रेन हादसे में अपना पैर खो दिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नितेश के परिजनों ने कहा कि उन्हें नितेश इससे पहले फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे। हादसे के बाद उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में अब रोशन कर रहे हैं। नितेश कुमार ने आज जो गोल्ड जीता है उसकी पूरे परिवार को, हमें, पूरे गांव को, पूरे हरियाणा को, पूरे देश को इस पे नाज है
इस लड़के ने जो करके दिखाया, जो इसके साथ कोई हादसा हो गया था कि इसका एक रेल जो रेलवे की उसमें गाड़ी की चपेट में आने से इसने एक ना पैर गंवा दिया था, जब इसकी मात्र उम्र 15 साल थी, जब उस टाइम के बाद में इसने कम बैक कराया, आज इसने वो अपना सपना पूरा कर दिया है। बहुत खुशी है पूरे गांव को, समाज को, भाईचारे को बहुत खुशी है। हाँ, बचपन से वो उसके पिताजी नौकरी करते थे, हमारे पास रहा, बल्कि 5 साल का हो दिन तो उसको ये नहीं पता था पापा कौन है, मेरे को पापा बोलता था। बाद में पता चला उसके पापा बाहर नौकरी कर रहे हैं, हमारे पास रहा है। वर्तमान में नीतीश करनाल के कर्ण स्टेडियम में कोच के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी इस जीत पर कर्ण स्टेडियम में भी खुशी का माहौल नजर आया और उनसे प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। खिलाड़ियों ने कहा कि नीतीश सर ने हमें भी एक नई राह दिखाई है और उनका करनाल में आने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। खेल विभाग के उपनिदेशक राकेश पांडे और कोच राजेश कुमार ने कहा कि नीतीश की खेल उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है। बहुत ही डेडिकेटेड प्लेयर है और मॉर्निंग में यहाँ पर जब वो ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग 4 to 8:30, उसके बाद दिन में 11 से 1 बजे तक जिम जाते हैं और 2:30 से लेकर 7:30 बजे तक शाम को यहाँ पर बच्चों के साथ खेलते भी हैं और खिलाते भी हैं बच्चों को। और इससे पहले मैं आपको बताऊँ, जैसे मेरे साथी शिवम कोच हैं जो B24 में, उन्होंने शेयर करा कि ये IIT ग्रेजुएट हैं मंडी से और वो वहाँ से ओवरनाइट ट्रैवल करके आते थे और कोई ना कोई हम यहाँ से उसको नीतीश को पिक करते थे। बता रहा हूँ, 2018 एशियन गेम्स में उसका ब्रॉन्ज मेडल था, उसके बाद 2022 में अभी उसके 3 मेडल आए हैं और पैरालंपिक्स ये फर्स्ट टाइम गया है जिसमें वो गोल्ड मेडल जीत के आया। जैसे आज इतनी बड़ा दिन है खुशी का, भाई हमारे लिए इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है, एक त्यौहार के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। स्पेशल बधाई नीतीश सर को, जिन्होंने एक इतना टफ कंपटीशन जो है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और जो है गोल्ड मेडल पे जो है हमारा भारत का जो कब्जा हुआ, बड़ी खुशी है। चरखी दादरी जिले के बाजड़ा कस्बे में बीते दिनों गौ मांस खाने के शक में प्रवासी श्रमिक की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर 5 दिनों के रिमांड पर ले लिया है। कल एक प्रेस वार्ता के दौरान दादरी की पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष ने बताया कि जिस दिन प्रवासी श्रमिक की हत्या हुई थी उसी रात मामले में केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्दी 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 4 को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही, अभी जांच जारी है। वहीं बाजड़ा थाने के SHO तेजपाल सोनी ने कहा कि मामले के बाकी आरोपियों की भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। पांच आरोपियों को हमने 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था, जो आज अदालत में पेश करके उनको जुडिशियल भिजवाया गया। बाकी अन्य आरोपियों के नाम भी आए हैं तो उनको भी हम जल्द गिरफ्तार करके और उनको भी जो भी जैसे कार्रवाई की जाए। पूछताछ में नाम आए हैं और आइडेंटिफाई होते ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पर्यटन विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति की गोद में बसी शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में ट्रैकिंग गतिविधियों का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग और खेल विभाग का भी सहयोग मिल रहा है। पंचकूला के मोरनी हिल्स के गांव ठाणे से शंभू तक 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हरियाणा पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार धानक ने कहा कि विभाग द्वारा करवाई गई इस प्रतियोगिता में विद्यालय कॉलेज स्तर के बच्चों के अतिरिक्त प्रकृति से प्रेम करने वाले 200 लोगों ने हिस्सा लिया। इसका मकसद लोगों को पर्यटन स्थलों के अतिरिक्त शिवालिक और अरावली में वैकल्पिक प्राकृतिक स्थानों से भी जोड़ना है। डिपार्टमेंट विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है, जिसमें ट्रैक को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। आज के दिन हम मोरनी में ट्रैक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, थाना से शंभू 8 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें न केवल स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, बर्ड वाचर्स और सोसाइटी के विभिन्न लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी तक लगभग 200 लोगों ने इस ट्रैक में भाग लिया है और हमारा मेजर मोटिव है कि हम अल्टरनेट डेस्टिनेशन को प्रमोट कर सकें, न केवल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बेस्ड टूरिस्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस हम फेयर एंड फेस्टिवल बेस्ड टूरिस्ट। वन विभाग के अधिकारी संजय कोडा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हम जन को प्रकृति के करीब लाकर उसके महत्व से रूबरू करवाना है। फ्रेंड्स, टीचर और अलग अलग डिपार्टमेंट से सभी एम्प्लॉइज को बुलाया है ताकि वर्ल्ड टूरिज्म डे पे उनको हम फॉरेस्टिंग और वाइल्ड लाइफ के बारे में बता सकें। हम बहुत ही भाग्यवान है, मैं ये कहूँगा कि पंचकूला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में जिसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं,
और आप खड़े हैं हरियाणा के उस क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर रखता है, अर्थात पूरे हरियाणा में अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। आज की इस ट्रैकिंग के दौरान हम आए हुए हमारे सभी ट्रैकिंग साथियों को वाइल्ड लाइफ के बारे में, हमारी जो घग्गर रिवर साथ में बह रही उसके बारे में। ट्रैकिंग करने आए खिलाड़ियों ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह विभाग की अच्छी पहल है। खेल के साथ साथ उन्हें प्रकृति से भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। ट्रैकिंग करके उन्होंने भरपूर लुत्फ उठाया। मैं जिला पंचकुला से आया हूँ। मुझे ट्रैकिंग पर बहुत मजा आया। नेचर से जुड़ने का मौका मिला। हरियाणा टूरिज्म ने हमें मौका दिया और यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हरियाणा टूरिज्म की तरफ से हमें यहाँ मौका मिला और आज हमें अपनी प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे घूमने का टूरिज्म ट्रैकिंग का बहुत मतलब एक्साइटमेंट हो रही है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उन्हें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सदस्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा भारत की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो अपने काम का विस्तार करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन कर रही है। पार्टी लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सुधार कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इन गांवों में विशेष इकाई गठित कर सदस्यता अभियान चलाने और पूरे गांव को भाजपा का सदस्य बनाने को कहा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एकमात्र भाजपा ही भारतीय संविधान में समाहित मूल्यों के अनुरूप काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधान सेवक हैं और सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा और आदर्श है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा न केवल दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है बल्कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भी है। कोई भी अन्य पार्टी भाजपा जैसी पारदर्शिता और ईमानदारी से अपना सदस्यता अभियान नहीं चलाती। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को वादों को कार्यों में बदलना होगा। समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।